आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका गैस कनेक्शन है तो आप किस तरह अपने गैस कनेक्शन में ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। जब भी आप गैस सिलेंडर परचेज करेंगे या सिलेंडर भरवाएंगे तो उसका कैश मेमो जो रसीद वगैरह होगा वो आपको ईमेल के द्वारा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। पूरी जानकारी आपको ईमेल के द्वारा, पूरा रसीद वगैरह हर सिलेंडर बुकिंग का आपको ईमेल के द्वारा मिलता रहेगा। उसके लिए आपके गैस कनेक्शन में ईमेल आईडी रजिस्टर होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे किस तरह अपने गैस कनेक्शन में ऑनलाइन ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए गूगल पे जाएंगे और गूगल पे आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माई एल पी जी लिखेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन आपको दिखेगा myLPG.in। तो इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिले, ये साइड myLPG.in का ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे तीन सिलेंडर दिए गए, यहाँ पे आपको किस कंपनी का सिलेंडर है, भारत गैस या HP या इंडियन कोई भी बैंक कोई भी कंपनी का अगर गैस सिलेंडर है ठीक है तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं ईमेल आईडी ऑनलाइन। तो हमारे पास भारत गैस का है तो हम इस सिलेंडर पे ही क्लिक करेंगे। अगर आपके पास HP का है तो आप HP गैस पे ही सिलेंडर पे ही क्लिक करेंगे। मेरे पास भारत गैस है तो मैं भारत ये सिलेंडर है इसी पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ फिर ये रिडायरेक्ट कर देता है माय भारत गैस पे इस तरह का। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है अपडेट ईमेल आईडी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट ईमेल आईडी, उसके बाद अपडेट ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मांग रहा है रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी हमारे गैस कनेक्शन के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर जो दिखने को मिल रहा है इस कैप्चर को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP भी क्लिक करेंगे। जनरेट OTP भी क्लिक करने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है आपके रजिस्टर मोबाइल पे OTP सेंड कर दिया गया है। OTP देने के बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कंज्यूमर आईडी, आपका नाम और आपका एड्रेस होगा और आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ पे शो कर देगा। अगर पहले से कोई ईमेल आईडी रजिस्टर है तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दिखने को मिल जाएगा और यहाँ पे कह रहा है इंटर न्यू ईमेल आईडी। तो जो भी ईमेल आईडी ऐड मेरे में पहले से ईमेल आईडी नहीं रजिस्टर है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैं अभी ईमेल आईडी को ऐड करूँगा। तो यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी ऐड करना चाहते तो वो ईमेल आईडी इंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे इस कैप्चर वाले बॉक्स में। तो उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे OTP को जेनरेट कर दिया गया है। अब ये OTP किस पे गया हम चेक कर लेते हैं, मोबाइल पे गया या ईमेल पे गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया OTP इज सक्सेसफुली सेंड योर ईमेल आईडी। हमारे जो हमने ईमेल आईडी न्यू दिया है उस पे OTP सेंड कर दिया गया है, उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP देने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेट सक्सेसफुली, हमारा जो गैस कनेक्शन में ईमेल आईडी अपडेट हो चुका है, यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी भी शो कर रहा है। इस तरह अपने गैस कनेक्शन में ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। अब अपनी गैस कनेक्शन की अदर जानकारी के लिए आप को मैं आगे के बताता हूँ, अदर जानकारी चाहिए तो किस तरह आप अपने गैस कनेक्शन का अदर जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए जो कंज्यूमर आईडी इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप साइन इन करेंगे, नहीं तो सबसे पहले आप न्यू यूजर करेंगे और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे कंज्यूमर नंबर देंगे जो भी आपका होगा, जो आपने कॉपी किया था अभी। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर देंगे। अगर आपके गैस कनेक्शन मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, क्लिक हेयर करेंगे और इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर नंबर, नेम, मोबाइल नंबर दिया गया और यहाँ पे सिग्नेचर करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास सबमिट कर देंगे। तो इसमें आपका जो भी मोबाइल नंबर देंगे वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑफलाइन अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर। अगर आपका ऑलरेडी अपडेट है, रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर वो नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू भी क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम और बताए आपके मोबाइल नंबर को OTP भेज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक है टू जेनरेट OTP क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा OTP सक्सेसफुली सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पे OTP देंगे जो कि आपके मोबाइल पे भेजा गया था। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कह रहा आपके OTP मैच कर लिया गया है और यहाँ पे अपने हिसाब से एक लॉगिन आईडी रखिए और अपने हिसाब से यहाँ पे एक पासवर्ड रखिए और उसी पासवर्ड को यहाँ पे रीटाइप में कन्फर्म पासवर्ड करना होगा। और लॉगिन आईडी जो आपका होगा वो कम से कम 6 से 30 अक्षर तक का होना चाहिए, ठीक है। उनमें
ओनली अल्फ़ाबेट एंड नंबर होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। और पासवर्ड कम से कम 8 से 14 अक्षर का होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट, लेटर, स्पेशल करेक्टर वगैरह सारा चीज़ देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अपने हिसाब से एक यूजर आईडी रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे, कंटिन्यू भी क्लिक करो, कैंग्रेचुलेशन योर रजिस्टर इज कम्प्लीट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं या साइन इन से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया तो लॉगिन भी क्लिक करेंगे, जो यूजर आईडी मैंने लॉगिन आईडी बनाया तो वो देंगे, और जो पासवर्ड मैंने भी बनाया तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चर दिखने को मिला, ये कैप्चर को कैप्चर वाले बॉक्स में यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन कीजिएगा, आपका एलपीजी आईडी और कंज्यूमर आईडी नाम और आपके कनेक्शन में आधार कार्ड लिंक है तो आधार कार्ड का अंतिम का 4 अक्षर और डिस्ट्रीब्यूटर कोड, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे ओके करेंगे, उसके बाद पूरा चीज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। कंज्यूमर नंबर, एलपीजी आईडी, कंज्यूमर एफटीवे सब्सिडी, मूड आधार लिंक जो अकाउंट है उनमें इनका सब्सिडी मिल रहा है, किस अकाउंट में सब्सिडी मिल रहा है, जिसमें आधार लिंक है उसी में मिल रहा है, और अकाउंट नंबर, आधार नंबर का 4 अक्षर। उसके बाद बता रहा है क्या आधार कार्ड बैंक से लिंक है, लिंक है, क्या आधार कार्ड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक है, तो वो लिंक है, यस है। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट स्टेटस, ठीक, बैंक अकाउंट नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया है, पर आधार लिंकड अकाउंट में इनका सब्सिडी जा रहा है। और यहाँ पे लिंकड बैंक अकाउंट, अगर कोई बैंक अकाउंट लिंक रहेगा तो बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, ब्रांच वगैरह, खाता नंबर वगैरह सारा शो करेगा, क्योंकि इसमें जो है इस कनेक्शन में आधार लिंकड अकाउंट में सब्सिडी दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पूरा एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। उसी के साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन देंगे, जैसे एडिट प्रोफाइल, व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री, सर्विस रिक्वेस्ट, रेट योर डिस्ट्रीब्यूटर, कंप्लेन स्टेटस, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। इसमें आप सिर्फ ईमेल आईडी को एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, कब कब आप सिलेंडर बुकिंग किए हैं, कितने डेट को किए हैं, कितना रुपये आपने खरीदा था, और कितना रुपये आपको सब्सिडी मिला था, किस अकाउंट में सब्सिडी मिला था, और आपका जो पेमेंट है वो कैसे दिया गया था, कैश ऑन डिलीवरी आपका पेमेंट हुआ था, ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट होता तो ऑनलाइन लिखा जाए, जैसे पेमेंट होगा वो आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये बुकिंग हुआ था, ये कैंसिल कर दिया गया, ये सिलेंडर नहीं लिया गया था, जो ले लिया गया उसमें डिलीवरी दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू सर्विस रिक्वेस्ट, व्यू ट्रैक और मॉडिफाई एंड कैंसिल, ठीक है। उसके बाद न्यू सर्विस रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे, बुक सिलेंडर, यहाँ बुक सिलेंडर कर सकते हैं, रजिस्टर फॉर सेकेंड सिलेंडर, अगर आपको एक कनेक्शन में 2 सिलेंडर चाहिए तो सेकेंड सिलेंडर के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कनेक्शन है भारत गैस का तो यहाँ से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, और यहाँ से कंप्लेन वगैरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड पाएंगे, डैशबोर्ड पाने के लिए यहाँ पे कस्टमर कंसोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएगी, यहाँ पे बुक सिलेंडर यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मशीनिंग सर्विस ले सकते हैं, ट्रैक रिफिल कर सकते हैं, मतलब आपने बुक जो किया उसका स्टेटस क्या है, सबमिट केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्सिडी को आउट कर सकते हैं, चेक डीबीटी स्टेटस। तो इस तरह आप अपना गैस कनेक्शन का पूरा हैंडल कर सकते हैं, पूरी चीज़ आप यहाँ से खुद का कर सकते हैं, पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ चेंज करना या रिक्वेस्ट करना या सेकेंड सिलेंडर के लिए सबमिट करना, तो सारा चीज़ आपको यहाँ अगर सेकेंड सिलेंडर के सबमिट करना होगा, इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और सिलेंडर बुक करने के लिए यहाँ पे आपको बुक सिलेंडर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन टू पे ऑनलाइन फॉर रिफिल सिलेंडर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने का जो सर्विस है वो अवेलेबल है, तो यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ पे कितना केजी वाला सिलेंडर मिलने वाला है वो आपको ये दिखाएगा, और इसका प्रोडक्ट क्या है, डोमेस्टिक यूज यानी घरेलू यूज के लिए है, तो यहाँ से घरेलू यूज, यहाँ तो से बुक नो करेंगे, बुक नो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिया गया है, कि आप एक ईयर में 12 सिलेंडर ले सकते हैं आउट ऑफ वन ईयर, वन आउट ऑफ 12 सब्सिडी सिलेंडर।
यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तक आ जाएगा। यहाँ पे रेफरल आईडी और टाइप आ जाएगा किस से आप बुक कर वेब से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर संख्या और यहाँ पे बुकिंग डेट, प्रोडक्ट सिलेंडर कितना कितना चार्ज लग रहा है, 624 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्काउंट नहीं है ऑनलाइन में भी। और यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, आप ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिक मार्क का लगाएंगे तो यहाँ पे डिपेंड करता है कैश ऑन डिलीवरी लेंगे या ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको इनके एजेंसी पर जाके लेना होगा सिलेंडर। अगर आप ऑप्शन 4 COD सेलेक्ट करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके घर पे सिलेंडर लेके आएंगे तो वहीं पे आपसे पेमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। जिससे करना चाहे आप कर सकते हैं। तो आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा और पेमेंट कर लेना होगा। तो इस तरह आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं।